अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फेवरेट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम बकार है और आप देख रहे हैं स्टोरी का यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो वीडियो कंटेंट का मकसद ये है कि हमारे पास दो लैपटॉप, जैसे डिस्प्ले में भी आप देख रहे हैं दो लैपटॉप पड़े हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट का है और एक एप्पल का मैकबुक प्रो है। ये 2017 मॉडल है और ये 2022 मॉडल है। ये सरफेस स्टूडियो है माइक्रोसॉफ्ट का, बाकी इसके बारे में फरहान भाई आप बताते हैं। जी व्यूअर्स, इट्स अ सरफेस लैपटॉप स्टूडियो कोर i7 और ये माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस बुक सीरीज थी, उसका सक्सेसर है। सरफेस बुक 3 के बाद इन्होंने ये जो है न्यू जनरेशन लॉन्च किया। तो इसकी जो स्पेक्स हैं, कोर i7 11th जेन 16GB DDR4 और 512GB NVMe, और इसके जो डिस्प्ले के ब्राइटनेस हैं तकरीबन इन दोनों के डिस्प्ले 500 निट्स का है। तो इसमें इसका 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है और मैकबुक प्रो 2017 जो है ये 15 इंच विद टच बार है और इसका जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज है एंड दोनों की ब्राइटनेस जो है वो सिमिलर ही है। तो अभी हम जो है इनकी वीडियो साथ में प्ले करते हैं, तो व्यूअर्स यू बी द जज, आप देख के डिसाइड करके बताएं कि विच वन लुक्स बेटर, लेफ्ट वाली या राइट वाली। जी व्यूअर्स, आपने तो दोनों का डिस्प्ले देख लिया, अब आप लोग बताएं कि इसमें से किसका डिस्प्ले जो है वो बेहतर है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप सब दोस्तों का देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।